दोस्तों, आज मेरा गोलू दो बच्चे दिया। देखो कैसा सोया है, दो बच्चे देखिए। एक ये है, ठीक है, ये देखिए कि दूध पी रहा है, ठीक है यार। और एक ये है, एक दिखा गोलू दिखा थोड़ा, ये देखो ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट हुआ, ये व्हाइट, और ये ऑरेंज है। कितना क्यूट क्यूट दो बेबी हुआ। पहले बार मिस हो गया था, अभी दो बेबी हुआ। अभी मैं सोच रहा था इसका बाबा जो है, ये देखिए इसका बाबा, ये है इसका बाबा, ये इसका बाबा, बहुत क्यूट है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ ऑरेंज बेबी कैसे हो गया, शायद होगा मालूम नहीं, इसका कोई पहले का चाचा बाबा ठाकुरदा यानी ग्रैंड फादर कोई होगा, लेकिन दोनों ही बड़ा बड़ा बाल है। अच्छा, बहुत ख्याल रख रहा है ये। आज सुबह सात, अभी टाइम हुआ सात, ठीक है, ये हुआ एक घंटा पहले। तो बहुत मैं खुश हूँ, सुबह सोया था, सुबह उठ के थोड़ा आवाज आया म्यू म्यू, ऐसा पंछी का बच्ची का जैसा। फिर मैं बोला क्या हुआ क्या हुआ, और मेरा वो उसका बाबा है, उसका नाम मोलू, वो एकदम से छटरपटर कर रहा था। मैं उठ के देखा, हाँ जा, मैं तो देखा बच्चा हुआ, ऐसा होने वाला था। मैं तो बहुत दिन से ही सोच रहा कभी होगा, कब हो, कभी होगा, तो या भी हुआ। फास्ट ब्रीडिंग 27 तारीख को हुआ था, यानी 27 दो महीना पहले। ये मई चल रहा है ना, मई से पहले अप्रैल, इसके बाद मार्च, मार्च 27 को इसका पहला ब्रीडिंग हुआ। तो ये तीन दिन ब्रीडिंग था। तो उसके बाद से मैंने यूट्यूब में देखा, इधर देखा कि 64 डेज में बच्चा होता है, 63-64, तो हिसाब से आज 64 डेज होता है 27 से, तो परफेक्ट एकदम 64 में बच्चा हुआ। मैं सोचा शायद तीन दिन ब्रीडिंग था, तो लास्ट डेट हिसाब कर रहा था, तो लास्ट डेट 30 तारीख होता है, 30 मई मार्च, तो वो हिसाब से और भी ऐसा दो तीन चार दिन, तीन दिन बाद होगा, लेकिन नहीं परफेक्ट जिस दिन फास्ट ब्रीडिंग हुआ उसी दिन के हिसाब से 64 डेज में बच्चा हुआ। पहला बार मिस हो गया था, पहला बार नहीं हुआ, अभी ये दूसरे टाइम में अभी बच्चा दिया, दूसरे टाइम में हुआ। अच्छा, ये गुलू का एज होगा शायद एक साल ऐसे, डेढ़ साल होगा इसका माँ का एज, ठीक है, और बाबा का एज एक साल अभी है। तो बहुत मैं खुश हूँ। और दूसरा बाबा के, बाबा का थोड़ा सा ये है, बाबा छोटा है, माँ बड़ा है, माँ हिमालयन है और बाबा तुर्किश है, तुर्किश जो पार्सियन है, सभी पार्सियन है, ये भी पार्सियन वो भी पार्सियन, तो है। माँ का फेस देखिए थोड़ा सा ब्लैक, आप मेरा शॉर्ट पूरा शॉर्ट वीडियो में देख पाएंगे, माँ का फेस थोड़ा ब्लैक मुँह है, ये बहुत महंगा होता है। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ। और मैं देखो जब ये हुआ था उस टाइम पूरा इधर सीमेंट पे हुआ था, ठीक है, टॉयलेट में सीमेंट के उधर है, उधर सूखा रहता है, तो हुआ। मैं कपड़ा दिया, कपड़े का बॉक्स में कपड़ा दिया था, ये बॉक्स देख रहे हैं, कार्टून बॉक्स, फ्रूट का कार्टून है, इसमें मैं कपड़ा दिया, वो कपड़ा पूरा लाल हो गया था, मैं वो कपड़ा बाहर फेंक दिया और दूसरा एक कपड़ा दिया, दूसरा जो मेरा बनियान का कपड़ा होता है, सफाई है, वो दिया। मैं ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं दिया, ये धो के सफाई भी कर सकते हैं, तो वो मैं कपड़ा दिया। अभी खाना वाना कुछ नहीं खा रहे हो, तो उसका जैसे उसका ये फूड मैं देता हूँ, ठीक है, पानी है, ये फूड है, लेकिन ये खाता नहीं, लेकिन मैं सोचा था अभी थोड़ा बाद जाके इसके लिए मैं वो जो स्पेशल फूड होता है ना, जो लिक्विड टाइप का विस्कस का, वो मैं ले, टूना फिश का जो होता है वो मैं लेके आएगा और माँ को खिलाएगी, क्योंकि अभी माँ को ज़्यादा खिलाना मांगता है, माँ का दूध पीता है ना, देखो बच्चा कैसे दूध पीता है, छोटा बच्चा चाट चाट के सफाई किया, माँ अभी तक कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया ना कुछ भी पिया, तो मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसा बुरा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। और मेरा पहला एक ये है एक्सपीरियंस है, मेरा पास रखा था बिल्ली करीब एक साल हुआ, तो पहला एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। चलो दो बच्चे और, ठीक है, कोई कोई पहले मैंने यूट्यूब में सुना पहले पहले दो तीन ऐसा बच्चा ज़्यादा नहीं होता, फर्स्ट टाइम है ना, तो ये अभी फर्स्ट टाइम है, दो तीन बच्चा हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा फिर कभी शायद 5-6 होगा या 4 होगा, तो ये बात है दोस्तों। ये अरे यार एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ,
ये बिल्ली जब भी बच्चा देने वाला होता है ना, बहुत जो उसका ओनर होता है यानी जिसके जो खाना वगैरह देता है सब, उसके पास बहुत रहते हैं। काल एक हफ्ता से मेरे साथ बहुत ही है ये, ऐसा ज़्यादा आता मेरे पास आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मैं किधर भी जा रहा हूँ मेरे साथ जा रहा है, मैं बैठ रहा हूँ मेरे पास, मेरे गोद में बैठेगा। तो ये मैं बहुत हैरान करने वाला था ये चीज़, इतना प्यार सेम अपना बच्चे के जैसा गोद में बैठेगा ज़बरदस्ती। मैं सो हटा देता हूँ फिर भी गोद में बैठेगा, मैं सोया हूँ मैं घर के सर के पास जाके सोएगा, मेरे साथ वो टच रहना चाहता है। तो मालूम नहीं है कि क्यों है लेकिन ये टच रहना था। आज रात को मैं सोया था, मेरे पास आके सो गया, मेरे से मतलब कुछ बोलना चाहता है या कुछ हरकत करना चाहता है जो हम लोग समझता नहीं, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अभी मेरा दो बच्चा हुआ, अभी देखते आगे क्या होता है, अभी मालूम नहीं और भी बच्चा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं पता, पेट थोड़ा फूला फूला है मालूम नहीं और भी हो सकता है मालूम नहीं, मुझे होगा तो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये है मेरा गुबलू का बच्चा, पहले बच्चा। आ देखो माँ, ये मोलू आ गया, ये बाबा मोलू, मोलू आ गया, ये भी मेरे को चढ़ रहा है देखो मेरे पास, बहुत क्यूट है। मैं सोचा था मोलू को सामने रखेगा क्या क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन मोलू से मोलू डरता है उसका उसका बीवी से, ठीक है उसका बीवी थोड़ा बड़ा है ना उम्र में, बीवी से डरता है वो, हाँ करेगा वो भाग जाता है, तो ये अच्छी बात है बीवी से डरना चाहिए। तो ये है अपना मोलू, बाबा मोलू, अरे माँ गुबलू, बाबा माँ गुलू। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा अब बताइए कमेंट करके, अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका अपडेट मैं देते रहूँगा, तो आप लोग बेल बटन दबा के रख दीजिए, इससे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये अपडेट मैं देते रहूँगा, ठीक है। अच्छा अभी तक कुछ खाना नहीं, खाना वाना पिया नहीं, तो ये मैं डेली अपडेट देते रहूँगा और डेली इसका कितना बड़ा होता है नहीं होता है। अच्छा अच्छा दूसरी बात है, ये थोड़ा तंदुरुस्त आया देखो, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है तंदुरुस्त है, दूध पी रहा है देखो, ये थोड़ा हल्का सा ये कमज़ोर है, लेकिन मैं तो हूँ मुश्किल उसको दूध बराबर पिला देंगे, उसको पकड़ पकड़ के दूध पिला देंगे, तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा बाद में। देखो बच्चा देखिए, ये देखो वाइट वाला है, अरे ये वाला है, ठीक है ऑरेंज वाला है। मेरा बाबा भी वाइट है, माँ भी हिमालयन जैसा है, डार्क ये है, लेकिन बच्चा ऑरेंज हो गया, ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, होता है ना ऐसा क्योंकि हम लोग इंसान में भी होता है कि बाबा माँ वाइट है बच्चा थोड़ा सा डार्क आता है, कभी कभी बाबा माँ ब्लैक है तो बच्चा थोड़ा दूसरा कलर का हो जाता है, तो ये ऐसे ही शायद ऐसे ही कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं रखता हूँ, आप लोग लास्ट तक देखा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, और आगे भी देखते रहिए, ओके बाय। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, थैंक यू।